सखावत से मुराद है जुज अली खुले दिल से खर्च करना, जुज बे फजूल खर्ची करना, जुज जीम मना करना, जुज दाल रोक लेना, जिसका सही आंसर है खुले दिल से खर्च करना। उसके बाद आ गया इल्मी सखावत से मुराद है किसी को इल्मी बात समझा देना, जुज अलिफ जुज बे किसी पर माल खर्च करना, जुज जीम किसी को वक्त दे देना, जुज दाल तीमारदारी करना, जिसका सही आंसर है किसी को इल्मी बात समझा देना। नंबर तीन, यतीमों की परवरिश करना और अवामी फलाह बाबू के काम असर अंजाम देना कहलाता है, जुज अलिफ सब्र तामुल, जुज बे सखावत इसार, जुज जीम उफ़ोवत दरगुजर, जुज दाल रवादारी, जिसका सही आंसर है जुज बे सखावत व इसार। अंसारी मेजबान ने मेहमान के साथ क्या शुरू किया, जुज अलिफ खुद भूखे रहे और उसको खाना खिलाया, जुज बे उसे माल दौलत अता किया, जुज जीम बच्चों के साथ उसे खाना खिलाया, जुज दाल उसे खजूर भी अता की, जिसका सही आंसर है जुज अलिफ उसे खुद भूखे रहे और उसको खाना खिलाया। उसके बाद आगे है गज़वे तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया अलिफ घर का आधा माल, जुज बे 1100 ऊंट, जुज जीम घर का आधा माल, जुज दाल 1000 दिनार, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने घर का सारा माल वक्फ कर दिया, जिसका सही आंसर है जुज अलिफ। आज का सबक इख्तिताम पज़ीर हुआ।